देखो अभी एक फीबल डब्ल्यूडी ऑलरेडी अप्रोच किया है, जो वेदर है अभी थोड़ा सा क्लाउडी बना है, अबरालूद बना है पूरे वैली के अंदर, और आज कुछ एक जो हायर रीस हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, कोई मेजर स्पेल नहीं है और वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 24th of January। 20th को भी थोड़ा सा एक फीबल डब्ल्यूडी है, कोई प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है, पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ा सा क्लाउडी होगा और वेदर जो है अमूमन जी अभी देखो आपका ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे बारिशें या बर्फबारी नहीं हुई है, इससे पहले 2018 का जो दिसंबर जनवरी था, 2016 का जो दिसंबर था, 2015 का जनवरी था, 2014 का दिसंबर, 2007 का जनवरी, 2003 का जनवरी, तो ऐसे में आपका 4-5 साल के बीच में एक ऐसा इंटरवल रहा है, एक ऐसा विंटर रहा है जिसमें आपका प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल जो है हमेशा यहाँ पे रहा है। तो आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल 24 तक वेदर ड्राई है और आपका 25th ऑफ जनवरी से जो है एक वेट स्पेल के चांसेस हैं, जो अभी के जो इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से कुछ एक पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी के इम्कान हैं। बाकी इसमें और वाजिया तौर पे हम बता पाएंगे कमिंग डेज़ के अंदर, और क्लियरली बता पाएंगे कि किन किन जगहों पे बर्फबारी होगा, किन किन जगहों पे। देखो इसका आपका एक तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हैं, दूसरा जो है आपका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म जो कंसिक्वेंसेस हैं या इम्पैक्ट है आपका, उसमें आपका एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बड़ा मसला हो सकता है कमिंग डेज़ के अंदर, इसी तरह आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो जो इम्पैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, आपका टूरिज्म सेक्टर, इसी तरह जो ड्रिंकिंग वाटर है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर उसके जो है मसले हो सकते हैं, इरिगेशन वाटर के इश्यूज आ सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म है आपके अभी जो गर्मी जिस हिसाब से बढ़ी है ड्राई स्पेल के कारण, कुछ एक आपके हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर ब्लॉसम ऑलरेडी हुआ है, तो ऐसे में आपका अर्ली फ्लावरिंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स के जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो और बढ़ सकते हैं ड्राई स्पेल के कारण, और उसके साथ साथ आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ता है, खासकर जो पेड़ी हम उगाते हैं, तो ऐसे में लोग मजबूर हो सकते हैं कि पेड़ी ना उगाना पड़े अगर ऐसा ही वेदर सिस्टम या ऐसा ही ड्राई स्पेल जो है आने वाले दिनों में भी रहा। ये डिपार्टमेंट का तो मैंडेट है आपका फोरकास्ट वगैरह इशू करते हैं, वेदर सर्विसेज, क्लाइमेट सर्विसेज, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज या एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, जो फार्मर्स के लिए हम एडवाइजरी देते हैं टाइम टू टाइम एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे, वो काम यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। तो ऐसे में देखो आपका ड्राई स्पेल के कारण, क्योंकि स्नोफॉल जो है यहाँ पे पूरा हिमालयन रीजन का एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है, अगर ऐसे में आपका बर्फ़ ना हो और ग्लेशियर्स का काफ़ी तेज़ी से ऑलरेडी उनका श्रिंकेज हो रहा है, तो ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं खासकर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या बाकी जो आपका इरीगेशन पर्पजेज के लिए या पोर्टेबल वाटर, इवन के जो नदी नालों में जो पानी है ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें जो आपका इम्पेक्ट हो सकता है अगर आपका ये ड्राई स्पेल अगर कंटिन्यू नहीं है। देखो आपका 2021 में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी, तो ऐसे में ये चीज़ छोटी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे हम बता नहीं सकते, मतलब कहना गलत होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो 2021 में भी था, आपका ग्लोबल वार्मिंग 2021 में भी था, तब जो है आपका एक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुआ था जो पिछले 30 साल के अंदर भी नहीं देखा गया था, तो ऐसे में ये शॉर्ट टर्म आपका रहता है 5-6 साल के इंटरवल में एक ऐसा ये रहता है जिसमें ये ड्राई रहता है विंटर समय। 25th के बाद जो है जैसे इंडिकेशन है उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ एक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चांसेस हैं, बाकी इसमें हम और वाजिया तौर पे बता पाएंगे कमिंग डेज के अंदर कि क्या रहेगा इस सिस्टम का इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन।